ओके सो गाइस, हम लोगों ने आज की तारीख में जो है टोटल एनईडी से रिलेटेड जो है जो चीज़ें बताई, उसमें चंद पॉइंट जो हमने जो बार बार बताया वो क्या कि अभी जो मैसेज आया है, ये मैसेज क्या है, ये वॉइस चांसलर की तरफ से अभी सिर्फ चंद पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके ऊपर सोचा जाएगा अभी पीईसी की तरफ से और एचईसी की तरफ से कि वो पॉइंट्स फॉलो किए जाएँ या ना किए जाएँ। 5-6 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो पॉइंट्स पता चल जाएंगे और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा एनईडी यूनिवर्सिटी के भी जो उनकी जो वेबसाइट है उसकी भी तरफ से जो है वहाँ पर उनके एकेडमिक कैलेंडर में चीज़ें जो है वहाँ अनाउंस कर दी जाएंगी। अगर सब कुछ जैसा उन लोगों ने आज वाइस चांसलर ने मशवरा दिया है अगर वैसा हुआ तो, अदरवाइज अभी वो डिसीजन फाइनल नहीं है, ठीक है, जब तक एचईसी और पीईसी उसको फाइनल ना कर दे, पहली बात। उसके बाद मैं एक बात एक्सप्लेन करूंगा, हम लोगों ने जो 3 लाइव सेशन लिए, तीसरा लाइव सेशन भी हमारा, हम चौथा स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा, यूट्यूब की तरफ से चंद रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से हमारा जो लाइव सेशन वो हम नहीं कर पा रहे। हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने और सर हमाद ने आपके साथ डिस्क्लोज किया, फील्ड्स के बारे में बताया, स्कोप क्या है हर फील्ड का, हर फील्ड में मेडिकल वाले कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हमने टोटली तौर पर एक्सप्लेन की अपनी वीडियो के अंदर। आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर, यानी कि मेरा जो चैनल है सर अशर अली, उस पर जाकर के आप जब उस सेशन को देखोगे तो आपने प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है, पहले लाइव सेशन 1 देखना है, देन फिर 2 देखना है, देन फिर 3 देखना है आपको, ठीक है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशन जो है हमारे पास अब वो स्टार्ट नहीं हो रहा, वरना हमारा इरादा था हम और चीज़ों का एक्सप्लेन करते। अगर आप कहेंगे तो हम जो बकिया चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम सेशन से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत सारा सब्र तहम्मुल आप लोग ले पाए होंगे, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें हमने उस पर एक्सप्लेन की। पिछले जो सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सेशन 1 और सेशन 2, एक चीज़ और वो सर भी कुछ बता रहे हैं, एक चीज़ और है, अगर आपका जो एग्रीगेट बन रहा है ना और एग्रीगेट सेम है, मेरे दो बच्चे हैं, दो बच्चों का एग्रीगेट सेम है, तो इस केस में आपके मैथ्स के नंबर देखे जाएंगे, मैथ्स के नंबर के ज्यादा होंगे वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, सही है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोगों ने, मैथ्स पे आप फोकस करना, ठीक है। और एप्टीट्यूड स्टूडेंट जो है उनके लिए मैं ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने पहले ही बना चुका हूँ मैं 2 वीडियोस गाइडलाइंस फॉर एप्टीट्यूड स्टूडेंट 2020, उससे मैंने इस बात का इजहार किया था कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा एनईडी का हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का, जून जुलाई अगस्त और सितंबर ये डेडलाइंस है, इन महीनों के अंदर आपके टेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आज की अनाउंसमेंट में इस बात का इकरार किया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एनईडी का टेस्ट जो होगा वो मेड भी 90% पॉसिबल है कि हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे और सर हमाद को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से मज़ीद, और जब कोई नोटिस आता है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ, मुलाकात होगी आप लोगों से। जाते जाते एक बात ये कहूँगा, सारे सेशंस को ज़रूर देखना है आप लोगों ने, शेयर करना है उसको अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी जो क्वायरीज हैं वो सॉल्व हो पाएँ। आज जो एक बिल्कुल टेंशन क्रिएट हुई थी अचानक से, वो टेंशन जो है वो ऑफ हो पाए। आप तमाम लोगों से रिलेटेड ये सब कुछ हमने यहाँ पर जो है वो शेयर किया है, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलना है आप लोगों ने, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर